हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा, जिसका नाम है रोबोनॉमिक्स नेटवर्क, और जो टोकन टिकर है उसका वो है XRT। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे रेडार पे है काफ़ी टाइम से। मैं इसको $13-15 से ट्रैक कर रहा हूँ। इनफैक्ट इसको बाई भी किया था मैंने 20, 25, 30, 32 इस तरह से, और 50 के रेंज में मैंने इसको सेल भी किया है, दोबारा फिर बाई भी किया है। तो इनफैक्ट ये जो टोकन है वो मेरे रेडार पे है फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और मेरे को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल लगता है। और मुझे लग रहा है कि अगर इस टोकन को हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो डेफिनेटली एक ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगेन, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है, तो अपना रिसर्च आप ज़रूर करें फिर इस टोकन में आप इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम आप देख रहे हो, रोबोनॉमिक्स, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा रोबो इकोनॉमी जो है उसको बिल्ड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आने वाले फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो जाएगी, और हर काम के लिए हम बॉट्स या रोबोट्स हायर करेंगे। IoT का ज़माना होगा, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगी थ्रू IoT डिवाइसेस। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है और जिस तरह का ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो रोबोनॉमिक्स है वो काम कर रहा है। और मैं बोलूँगा, एक ROS करके ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे 20,000 से ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स जो है बनाए गए हैं। 100 से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, ऑटोमेटेड मॉड्यूल्स हैं जिसको आप एक्सिक्यूट करके रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो। रोबोट के जो डिज़ाइंस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, रेडीमेड एप्लीकेशंस हैं, वो मॉड्यूल्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो ROS है, जो रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका ये ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि ये पूरा का पूरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और आयरा लैब ने इसको डेवलप किया है। यहाँ पे आप देखोगे ये ब्लॉग है आयरा लैब का। आयरा लैब जो है वो उसका फुल फॉर्म है ऑटोनॉमस इंटेलिजेंट रोबोट एजेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो आयरा लैब का काम है वो इस तरह के सोल्यूशंस को बिल्ड करना जो हेल्प करे रोबोट और ह्यूमन का इंटरेक्शन, ह्यूमन टू रोबोट, रोबोट टू रोबोट इंटरेक्शन, मशीन टू मशीन पेमेंट्स। तो पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसको ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक्सिक्यूट कर रहे हैं। तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ ये नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, ये 2015 से लगातार इस पर काम हो रहा है। और अगर आप इसका गिटहब चेक करोगे तो लगातार आपको कमिट्स देखने को मिलेंगे, और पिछले 4-5 साल से ये डेवलपमेंट फेज़ में है। इनिशियली ये इथेरियम के ऊपर लॉन्च हुआ था, बट अभी ये पोलकाडॉट के ऊपर ये लॉन्च करेंगे, और अभी जो है वो कुसामा के ऊपर इनका पैरा चेन है, जो पैरेलल चेन है वो कुसामा के ऊपर टेस्टिंग हो रही है, कुसामा के ऊपर वर्क कर रहा है, बट आने वाले टाइम में ये मूव करेंगे पोलकाडॉट के ऊपर। और इनका प्लान है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपना सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि दे आर लिमिटेड टू पोलकाडॉट और कुसामा। जब ईथर 2.0 लॉन्च होगा तो ये जब ब्रिज जब इस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन पोलकाडॉट और इथेरियम 2.0, तो इथेरियम के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेसिबल होगा। अब जैसा कि देख रहे हो, आयरा का ये वेबसाइट है। यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, आयरा प्रोजेक्ट टीम हैज़ बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन रोबोटिक्स एंड इकोनॉमी, यानी कि ये कनेक्ट कर रहे हैं अपने हमारी इकोनॉमी को रोबोटिक्स के साथ, मशीन्स के साथ। आयरा इज एन इमेज ऑफ ऑटोनॉमस इकोनॉमिक एजेंट रोबोट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सर्विस डिलीवरी एंड इट्स मेंटेनेंस, मशीन टू मशीन पेमेंट्स, रोबोट एज अ सर्विस, स्मार्ट फैक्ट्री, ऑटोनॉमस सेंसर नेटवर्क, फुल्ली ऑटोमेटेड सप्लाई चेन आर कॉन्सेप्ट्स दैट आयरा विल बी यूजफुल फॉर। तो जैसा कि मैंने इनिशियली बताया, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स है जो आने वाले टाइम में इस तरह के सोल्यूशंस आएंगे, और अभी भी है बट इनिशियल फेज में है ये पूरा का पूरा जो बॉट्स और रोबोट्स का इकोसिस्टम है, इकोनॉमी है।
तो ये आयरा जो है एक रोबोनॉमिक्स का नेटवर्क क्लाइंट है, और यहाँ पे अगर मैं रोबोनॉमिक्स का आपको दिखाऊँ इकोसिस्टम, ये जो है डैप्स है, ये रोबोनॉमिक्स के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं, और ये बहुत तरह के सॉल्यूशंस जो हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन फॉर ओपन सेंसर नेटवर्क्स इनका जो है डाओ IPCI, अगेन आयरा लैब ने इसको डेवलप किया है, और ये पब्लिक ब्लॉकचेन स्टैम्प है जहाँ पे आई थिंक ये कुछ सप्लाई चेन से रिलेटेड है, जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो जो आपके फूड्स हैं। आई एम नॉट टू श्योर, ये जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, यहाँ पे आप समझ सकते हो इसका क्या वर्क है, क्या यूसेज है, पैराचेन आप इसका चेक कर सकते हो। तो ये जो है डैप्स हैं रोबोनॉमिक्स के ऊपर, और आने वाले टाइम में जैसा कि मैंने बताया अभी ये कुसामा पे फंक्शनल है इसका पैराचेन। और ये जो प्रोजेक्ट है रोबोनॉमिक्स, ये सबसे पहला पोलका डॉट का प्रोजेक्ट है, यानी कि बहुत अर्ली डेज से ये पोलका डॉट से है। जैसे कि मैंने बताया 2015 से ये डेवलपमेंट में है, और जो सबसे बड़ी बात है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पोलका डॉट के फाउंडर हैं गेविन वुड, वो डायरेक्ट जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके कोड बेस में। आप देख सकते हो गेविन वुड जो है वो इसके गिटहब पे कई सारे कमिट्स जो है उसको पब्लिश किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये प्रोजेक्ट रियल है और काफ़ी सॉलिड है। अगर मेरे को इसको कंपेयर करना हो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आज के डेट में, तो मैं इसको आयोटा के साथ जो है वो कंपेयर करूंगा। हालांकि ये आयोटा से आगे की टेक्नोलॉजी है, मतलब आयोटा से एक स्टेप आगे जाके ये कुछ चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गैप है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 829 मिलियन, $800 मिलियन का मार्केट कैप है, और रोबोनॉमिक्स ही बहुत ही टाइनी टाइनी मार्केट कैप है, $14 मिलियन का मार्केट कैप है। हालांकि सप्लाई जो है अभी बहुत सारी आनी बाकी है। तो टोकन मैट्रिक्स, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, टोकन मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। तो इसका 10 मिलियन का टोटल जो है वो सप्लाई है इस टोकन का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैंने थोड़ा इसका टोकन मैट्रिक्स अभी देख रहा था, तो 70% जो टोकन का सप्लाई है, विच इज 70 7 मिलियन, 7 मिलियन टोकन, वो लॉन्ग टाइम तक सर्कुलेशन में नहीं आएगा। यानी कि मेरे को लग रहा है 2021 एंड 2022 तक वो टोकन सप्लाई में आएगा, जब इथीरियम का 2.0 और पोलका डॉट का ब्रिज जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, जब उस टोकन का जो है वो यूसेज होगा। तो XRT का जो यूज केस है वो ये है कि इकोनॉमी, जो रोबोटिक्स इकोनॉमी है, उसके अंदर ये एक करेंसी की तरह काम करेगा। एक और टोकन है रोबोनॉमिक्स का, जिसका नाम है आई गेस XRT फाउंडेशन, XRT, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। काफी उसका जो प्राइस है आई थिंक 60-70,000 डॉलर का है। RWS जो है वो रोबोनॉमिक्स वेब सर्विस, ये भी एक यूटिलिटी टोकन है, $67,000 का एक टोकन है। बाकी इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 100 ही टोकन की है, यानी कि बहुत कम टोकन है, और 3.3 मिलियन का मार्केट कैप है। तो फुल्ली डाइल्यूटेड अगर मैं देखूँ तो 7 मिलियन का ही मार्केट कैप इस टोकन का है। तो ये टोकन XRT से भी चीप है, हालांकि प्राइस में आपको लगेगा कि XRT से बहुत ज़्यादा है, बट अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो 13 मिलियन का मार्केट कैप इसका है, और RWS का मार्केट कैप फुली डाइल्यूटेड 7 मिलियन का, यानी कि 50-60% चीप है। इसका जो यूज़ है वो आई थिंक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है सर्विस रोबोनॉमिक्स के अंदर, तो इस टोकन को आप यूज़ कर सकते हैं। और रेगुलर यूटिलिटी जो है वो XRT का है, रेगुलर करेंसी के रूप में आप रोबोनॉमिक्स XRT टोकन यूज़ कर सकते हैं, और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो RWS जो है टोकन वो यूज़ कर सकते हैं। RWS का जो है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और अगर आपको लेना है तो आपको ये खाली यूनिस्वॉप पे मिलेगा, और स्लिपेज बहुत ज़्यादा है। मैंने कोशिश करी थी बाई करने की, तो अगर आपको बाई करना है तो 30% से ज़्यादा का स्लिपेज है, यानी कि आपको 30-40% महंगा मिलेगा इस रेट से। इसीलिए मैंने इसको बाई नहीं किया है, और मैंने अभी XRT ही मेरे पास है, और XRT जो है वो आप बाई कर सकते हो यूनिस्वॉप से, और भी कुछ एक्सचेंजेस हैं आई गेस यहाँ पे, हुओबी पे है ये लिस्टेड, और यूनिस्वॉप पे, मैं यूनिस्वॉप पे ही मैंने बाई किया है, और $50-60 के आसपास कुछ टोकन सेल भी किए थे, और प्राइवेट ग्रुप में मैंने मेंशन भी किया था टारगेट। इनफैक्ट मैंने मेंशन किया था कि $50-60 के बीच में अगर ये आए
तो 50% जो है टोकन को आप सेल कर सकते हो। और ये गया भी था, अगर मैं इसका आप लोगों को क्विकली दिखाऊं चार्ट, यहाँ पे आप देखो $50 लगा के आया ये 16 अगस्त को, फिर नीचे आया $25-$20 के आसपास, और दोबारा ये फिर लगा के आया ये यहाँ पे आप देखोगे $50 3 सितंबर को, और फिर ये नीचे आया $18 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका पैटर्न देखूं, हालांकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरे को लग रहा है $15-$20 के रेंज में इसका एक बहुत अच्छा बाई है और बॉटम है $15-$20 के आसपास, जब तक कोई मार्केट में मेजर सेल ऑफ नहीं आता। अगर बहुत ही बड़ा करेक्शन आ जाता है जहां पे बिटकॉइन 7000 या 8000 या उससे नीचे चला जाए, तो उस केस में हो सकता है ये काफ़ी नीचे आ जाए, मे बी $10-$12। बट इस कंडीशन में मेरे को लग रहा है $15-$20 इसका कहीं ना कहीं बॉटम है, और ऊपर मेरे को लग रहा है $50-$60 के बीच में इसका जो है वो रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में है, और अभी भी मेरे को लग रहा है ये बाई रेंज है $20-$25 के रेंज में। तो अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और कितना एलोकेशन लेना है, क्या बाई करना है, ये आपकी कॉल है। हालांकि प्राइवेट ग्रुप में मैंने मेंशन मैं करते रहता हूँ कितना बाई करना है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। तो इस रेट पे भी मैं, अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर हो इस प्रोजेक्ट में, अगर आप रिसर्च करते हो और काफ़ी आपको एक्साइटिंग लगता है जो ये सोल्यूशन बिल्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये बाई है और लॉन्ग टर्म होल्ड है। आप चाहे तो $20-$25 के रेंज में बाई कर सकते हो, $50-$60 पे अपना कॉस्ट जो है उसको निकाल सकते हो, सीड आउट कर सकते हो, एंड रेस्ट आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था एक स्मॉल वीडियो अबाउट रोमोरॉमिक्स, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।